एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। 20 लाख की लूट का मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर अपने ही परिजनों ने बरसाई गोलियां। पुलिस को देख जुआरियों की आई शामत। तीन ने लगाई दो मंजिला मकान से छलांग। रोहतकर में इस हालत में शव मिलने से फैली सनसनी। झाड़ियों में मिली सिरकटी लाश। कटघरे में पुलिस और दहशत में लोग। अब खबरें विस्तार से। सिरसा जिला पुलिस और CIA को भारतीय स्टेट बैंक वाली गली में 20 लाख रुपए की लूट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में दबिश दे रही थी। CIA ने आरोपी सुनील को डब वाली से गिरफ्तार किया। दादरी की राम वाटिका कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर तीन बाइक सवार लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें से एक गोली प्रॉपर्टी डीलर के कंधे पर लगी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। दादरा जिला के फर्श बाजार इलाके में जुआ अड्डे पर जब पुलिस पहुंची तो जुआ खेल रहे तीन लोगों ने दो मंजिला मकान से छलांग लगा दी। इस हादसे में तीनों शख्स घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से 12 लोगों को सट्टा खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रोहतक शहर के काठमंडी पुल के नीचे गुरुवार सुबह लगभग 45 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वहीं शव के ऊपर पत्थर भी पड़ा हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। राजधानी से सटे NCR में एक शख्स की लाश गर्दन कटी अवस्था में मिलने के बाद दहशत फैल गई। शख्स अपने घर से कुछ देर के लिए बाहर निकला और थोड़ी ही देर बाद घर वालों को उसकी लाश मिलने की खबर मिली। आशंका यह है कि कहीं लूट के इरादे से तो हत्या नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।